हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ईस्टर्स। इस टॉपिक को मेरे पीसीटी वाली सीरीज में रखने का एक स्पेशल रीज़न था मेरा, क्योंकि लोगों को ईस्टर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। साइपोनेट है, एनन्थेट है, प्रोपियोनेट है, सिपनेट है, बहुत सारे, समझ में नहीं आता लोगों को कौन सा लें। तो उसी वजह से पीसीटी लोगों की इम्पैक्ट करती है। तो आज हम पहले क्लियर करेंगे कि ईस्टर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनकी ज़रूरत है या नहीं है, और ये किन किन स्टेरॉइड में किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आपने कोई सिंथेटिक हार्मोन अपनी बॉडी में डाला, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट, तो टेस्टोस्टेरोन तो उस मॉलिक्यूल का नाम है, एनन्थेट उस कंपाउंड का नाम है जो उसके साथ जाने वाला है आपकी बॉडी में, और वो टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल को सर्वाइव रखेगा जितने दिनों तक वो खुद बच सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो इन ईस्टर्स को यूज़ करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब ये ईस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं तो साथ में उसके साथ अटैच टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल भी यूज़ हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाते हैं और उससे आने वाले बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट हमें आना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम करते हैं ईस्टर्स। जितने भी हम कंपाउंड्स देखते हैं सबके अंदर जो ईस्टर होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यानी कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ईस्टर जा रहा है उसकी वैल्यू अलग है, प्रोपियोनेट की अलग है, इसीलिए क्योंकि इनकी वैल्यूज और इनके रिलीज टाइम अलग है, इसीलिए ये अलग अलग टाइप से टेस्टोस्टेरोन को कैरी कर सकते हैं या सिंथेटिक हार्मोन्स को कैरी कर सकते हैं और हमारी बॉडी में रिलीज़ कर सकते हैं उन्हें अलग अलग टाइम पर। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, और प्रोपियोनेट के अंदर क्या है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हम एक साथ अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है प्रोपियोनेट। तो प्रोपियोनेट वो ईस्टर है जिसके साथ ये टेस्टोस्टेरोन अटैच होगा जाके। तो कंपाउंड्स के अंदर इनके अपने अपने वेट हैं, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का वेट 80% है और प्रोपियोनेट का वेट 20% है। ठीक है, हम टेस्टोस्टेरोन के साथ 20% प्रोपियोनेट ईस्टर भी हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, जो इन बाकी के 80% टेस्टोस्टेरोन को कैरी करेंगे। हमारी बॉडी में लगा हुआ मैकेनिज्म क्या करेगा, वो प्रोपियोनेट ईस्टर्स को यूज़ करेगा और उसके साथ अटैच टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जो आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की वैल्यूज़ हैं वो अलग होती हैं। यानी अगर आप 100 mg प्रोपियोनेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब 80 mg उसमें टेस्टोस्टेरोन है और 20 mg उसके अंदर प्रोपियोनेट जा रहा है। तो ये होता है एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू स्टेरॉइड्स को डोज किया जाता है। कि आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इस तरह से काम करता है, इसी तरह सभी स्टेरॉइड के अपने अपने ईस्टर्स होते हैं और वो उस तरह से काम करते हैं, और सबकी वैल्यू जो होती है ईस्टर्स की वो अलग अलग होती है। एक वीडियो में बताना कि कौन से स्टेरॉइड की कितनी वैल्यू होती है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए मैंने एक PDF बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, जाके डाउनलोड कीजिए। उसमें सारे स्टेरॉइड्स, उसमें कितना उसके कंपाउंड वैल्यू है, मेडिसिन की वैल्यू कितनी है और साथ में कितने परसेंट उसमें उसका ईस्टर जा रहा है, उसके अंदर हमने लिस्ट किया हुआ है। तो वहाँ से आपको आसानी होगी इसको समझने में कि ये कैसे काम करता है। तो बात आती है कि इन ईस्टर्स के हिसाब से हम PCT कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली क्या ये जाता है कि आपके सारे जो भी आपने इंजेक्शंस लिए हैं उनको एक जगह पर लिस्ट करना होता है, जो कि आप ऐप में आप कर सकते हैं। तो अब जैसे ही वहाँ पे आप लिस्ट करेंगे उसके अंदर से होता है कि हम टोटल स्टेरॉइड जो आपने यूज़ किया है उसके mg को प्लस करते हैं, उसके अंदर से माइनस करते हैं उसका ईस्टर, और निकल जाता है कि आपने टोटल कितना टेस्टोस्टेरोन यूज़ किया है। तो उस टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करके उसके बाद हम निकालते हैं कि बॉडी पे कितना सप्रेशन हुआ होगा इस वाले स्टेरॉइड को यूज़ करके। जब वो सप्रेशन का अमाउंट हमें मिल जाता है फिर डिसाइड किया जाता है कि PCT किस तरह से की जाएगी। तो PCT शुरू करने से पहले सबसे पहले सप्रेशन निकालना होता है। सप्रेशन जब ही मिलेगी आपको जब आप ये निकाल पाएंगे कि आपने कितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाला था, या कितना भी कोई भी सिंथेटिक हार्मोन आपने कितना अपनी बॉडी में डाला था। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्दी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी ऐप के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। ये कॉन्टेंट, इस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए लगातार आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।